यूं तो उत्तराखंड सरकार पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए लाख दावे करती है, लेकिन हकीकत में पर्यटन के नाम पर धरातल में कोई कार्य नहीं होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है भीमताल के चौकुचियातलगी तक जाने वाली सड़क, जो आज खस्ता हाल हो चुकी है। जहां देखो वहां गड्ढे नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे सोया हुआ है। सड़कें दिन पर दिन और हर साल सड़कों की हालत बड़ी नाजुक और खराब होती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सड़कें हैं उसमें कम से कम 8 इंच 9 इंच 1 फीट गहरे गहरे गड्ढे हैं। इनको भरने का तक काम विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि टूरिस्ट प्लेस होने के नाते यहाँ पे सड़कों की हालत बहुत ही अप टू डेट होनी चाहिए। इसके उलट यहाँ पे सड़कें ऐसी हैं कि जो विलेज रोड होती है वो इनसे बेटर है। जो गांव में छोटी सी सड़कें बनती हैं, सीसी रोड बनती हैं, वो इनसे काफी अच्छी हालत में है। भी विभाग जो है इसमें उदासीन है। केवल नैनीताल की ओर ज्यादा देखा जा रहा है, देखा सब ओर जा रहा है। अब जब नैनीताल की ओर देख रहे हैं तो बिना भीमताल के देखे तो नैनीताल पूरा होगा नहीं, बिना सातताल के देखे नैनीताल पूरा होगा नहीं, बिना नौकुचियाताल के देखे होगा नहीं। और मेरा तो कहना है कि बिना हरीशताल के, मतलब ये हरीश नहीं, हरीशताल के बिना भी जो है पूरा होगा नहीं। इसलिए हम आगे हमारा प्रयास है कि यहाँ पर्यटन के लिए जो जो सुविधाएं है, अब क्योंकि 70 साल में जो नहीं हो, हम 2 साल में नहीं कर सकते, कर रहे हो जिस हिसाब में कितनी बढ़िया सड़क बन रही है आप जानते हैं।